हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक है तो स्क्रीन लॉक को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन होंगे। सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक है तो स्क्रीन लॉक को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको सर्च करना है स्क्रीन लॉक सेटिंग्स। तो सर्च करते ही स्क्रीन लॉक सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक है तो स्क्रीन लॉक को रिमूव कैसे करेंगे, सिंपल सेटिंग्स ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, पासवर्ड डाल के ओपन कर लेंगे। तो स्क्रीन लॉक को रिमूव करने के लिए नॉन पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते ही जो स्क्रीन लॉक है हमारे फ़ोन की स्क्रीन से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स पे जाकर भी स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक है तो स्क्रीन लॉक को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सिंपल फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है डिस्प्ले, डिस्प्ले सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से सॉरी बैक गलत ऑप्शन हो गया, आपको सिक्योरिटी पे जाना है, सिक्योरिटी सेटिंग्स ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन लॉक को आप पहले तो हम सेट कर देंगे इस तरीके से। तो हमने सेट कर दिया, आप देखते हैं कि स्क्रीन पर सेट हो जाएगा, उस तरीके से शो करेगा। तो अब इसको आप रिमूव करना चाहते हो रिमूव भी कर सकते हैं, सिंपल इस पर जाएंगे तो पासवर्ड डाल के आपको नॉन पे क्लिक करना है, तो ये हमारी स्क्रीन से रिमूव भी हो जाएगा और स्क्रीन पर भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें।